बहुत ही ज्यादा क्लीन है भुवनेश्वर। अभी मैं आ चुका हूँ आई भुवनेश्वर के पास। इंदिरा गांधी पार्क आया, मैप में देखा तो वो जी मैंने अभी ले लिया ऑटो। तो ये है मेरा आज का होटल। ये है कुछ हाल भुवनेश्वर स्टेशन का। ट्रेन जा चुकी है। A few moments later. Morning guys and welcome back to the channel. Welcome from Bhuvaneshwar. तो यार कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो में आपने देखा मैं ट्रेन से यहाँ तक आया हूँ। तो अभी बज रहे 5, पिछले 2 घंटे स्टेशन में बिताने के बाद अभी मैं फाइनली निकल चुका हूँ भुवनेश्वर एक्सप्लोर करने के लिए। यार सबसे पहले मैं देखने जा रहा हूँ ये आई लव भुवनेश्वर का स्टैंड। चलिए देखते हैं। बहुत ही साफ सफाई है यार शहर में। तो ये रहा आई लव भुवनेश्वर आज के दिन का सबसे पहला स्टॉप। अभी मैं आ चुका हूँ आई लव भुवनेश्वर के पास। कोई फोटो खींचने वाला नहीं है, सुबह सुबह कोई भी नहीं है, मैं पूरा अकेला हूँ। पहला सोलो ट्रिप है मेरा, मैं बता नहीं सकता हूँ कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ, बट मजा आएगा। काश कोलकाता में भी ऐसा एक लग जाए। आप लोगों को बता दूं, एक्चुअली मैं बोला ना अनप्लान ट्रिप था, कुछ प्लान नहीं है। तो अचानक से मैंने सोचा कि एक दिन भुवनेश्वर में बिताता हूँ, उसका एक दो दिन पुरी में बिताता हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि भुवनेश्वर पूरा दिन घूमूंगा, कुछ प्लान नहीं है क्योंकि पूरा शहर बंद है, बंद पड़ा है, मतलब कोरोना की वजह से कुछ टूरिस्ट प्लेस खुला भी नहीं है। तो मैं दिन भर ऐसे ही भटकूंगा भुवनेश्वर में, कल पुरी में घूमूंगा। तो प्लान कुछ फिलहाल ऐसा है, इसलिए अभी मैंने कुछ ऑटो वगैरह लिया नहीं है, कहाँ जाने कुछ पता ही नहीं है, बस स्टेशन के बाहर आके भटक रहे हैं। अच्छा लग रहा है, चलिए देखते हैं, जो भी दिखेगा आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट इम्प्रेशन, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है भुवनेश्वर लिटरली। हालांकि स्टेशन के बाहर का रोड है और इतना साफ, ये देखते हैं आगे कैसा होता है। लिटरली नो वन इज हेयर, बस कुछ लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। हालांकि अभी सुबह के 5 बज रहा है, मेरा ट्रेन 3 ही बजे आ चुका था, बट मैं 2 घंटे स्टेशन में बिता रहा था, टाइम पास कर रहा था, रोशनी होने का वेट कर रहा था। एक्चुअली एंजॉय करिए आप भी। सीरियसली यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं मतलब कल अचानक से दोपहर को टिकट देखा कहाँ का आज मिल रहा है, देखा रात को जो है भुवनेश्वर का टिकट मिल रहा है, तो मैंने बुक करके मैं आ गया। मैं देखो यहाँ पे भटक रहा हूँ सुबह सुबह। बहुत ही खूबसूरत है यार, चारों तरफ पेड़ लगा है, एकदम साफ सुथरा रोड। ये मुझे कोलकाता के रेड रोड की याद दिला रहा है, ऐसा लग रहा है वहाँ वॉक कर रहा हूँ। क्या आप लोग रिलेट कर सकते हैं? यार मैप में रास्ता जितना छोटा दिखता है एक्चुअली में उतना होता नहीं है, मतलब ये रास्ता मैंने सोचा थोड़ा सा होगा, बट चलता जा रहा हूँ एकदम सीधा ये चल रहा है, बट चलिए मजा आ रहा है। आई थिंक ये कोई पॉश इलाका है। 20 minutes later. ये पता नहीं रास्ते में कोई इंदिरा गांधी पार्क आया, मैप में देखा तो वो काफी बड़ा पार्क है, एक सब मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ का भी शॉट दिखाता हूँ। काफी अच्छा है यार, सीरियसली इतना सुकून यहाँ पे, चिल्लाने का मन नहीं कर रहा। काफी बड़ा भी है। अब तक का इम्प्रेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे, आगे देखते हैं। अच्छा है, मजा आ रहा है। ये था इंदिरा पार्क, काफी खूबसूरत था, मजा आ रहा है। A few moments later. तो गाइस ये मैंने अभी ले लिया ऑटो, अभी जा रहा हूँ यहाँ से एक जगह, फिर वहां आपको दिखाऊंगा।
यार अभी वक्त हो रहा है 8। जैसे ही मैं ऑटो से उतरा, इसके बाद मैं तकरीबन 1 घंटा तक एक बस स्टॉप पे बैठा हुआ था, होटल्स रूम देख रहा था, हॉस्टल्स देख रहा था। फिर मैंने वहाँ पे एक ब्रेकफास्ट भी किया, इडली डोसा। बट पता नहीं क्यों फाइल ट्रांसफर करते वक्त वो सारा फुटेज करप्ट हो गया, जिसके वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। बट खैर कोई बात नहीं, अब आगे का जर्नी देखिए। जो हॉस्टल मैंने बुक किया वो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। सीरियसली यार कितना स्वीट बंदा था वो इटली वाला, मतलब बहुत अच्छा जेस्चर के साथ सर्व किया, अच्छा लगा। मेरा एक बोतल पानी भी ख़त्म हो गया तो उसी का दुकान से रिफिल कर लिया पूरा, पता नहीं आगे मिले ना मिले। डेट्स वाई ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ट्रैवलिंग करते वक्त। ये हॉस्टल जाने का रास्ता कुछ इस तरह का, कॉलोनी से गुजर रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है, एकदम साफ सफाई है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरा आज का होटल, यहाँ पर मैं रुकने वाला हूँ, ट्रैंक्विल हॉस्पिटैलिटी। काफ़ी अच्छा है, बेड काफ़ी कंफर्ट है। 2 घंटा सो गया था मैं, फिर नहा के अभी ऊबर बुलाया है, पास में एक बोटैनिकल गार्डन है वहाँ जा रहा हूँ, फिर एक्सप्लोर करता हूँ। पास में बोटैनिकल गार्डन दिखा रहा था मैप पे, तो वहाँ आ गया हूँ उबर लेके। सिर्फ मतलब मेरे हॉस्टल से यहाँ आने में सिर्फ 15 रुपये लगा स्कूटर में। देखते हैं खुला है कि नहीं, एंजॉय करेंगे अगर खुला रहेगा तो, आपको भी दिखाएंगे। यार बहुत मज़ा आ रहा कसम से, अभी भर भर के लाल छुट्टी था। अभी मैं और ये भाई मिल के मजे कर रहे हैं, जलाने वाला धूप निकल गया। शिट, यार कसम से बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब कि दिस होल प्लेस इज फॉर मी ओनली, लिटरली एक इंसान नहीं है।